पुकार सुनती है, मेरी भी पुकार सुन माँ, मेरी भी झोली खुशियों से भर दे माँ तेरा वाली। ओ पत्थरा हिलबा अखिया हे माई हो दखबाइल बाहियरा हो साथियों। आप सब सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों मेरा नाम केशव प्रसाद है। मैं इसी हरदोई का रहने वाला हूं। हमारे घर में कुल 2 सदस्य हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूं और मुझसे छोटी एक बहन है, जिस बहन का नाम शीला है। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन इतने अभागे हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले। भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, लेकिन साथियों उस वक्त की बात जब मुझे याद आती है कि जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हुए थे, अरे जब वो हादसा मुझे याद आता है तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। एक समय की बात है, जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तब मेरे घर में खुशियां थी, घर में चहल पहल था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन कहा गया है कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन की बात है, हम भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे। जब हम भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे इतने में अचानक धरती हिलने लगती है। मेरी बहन मुझसे कहती है कि भैया देखो आज धरती हमें झूला झूला रही है। लेकिन आप सबको क्या मालूम था, अरे आप सबको क्या मालूम था कि यह भूकंप है। और उसी वक्त इतना बड़ा भूकंप का झटका आया कि उसी भूकंप में मेरा मकान ध्वस्त हो गया और उसी मकान के छत के नीचे दबकर मेरी माँ अपने प्राणों को त्याग दी और मेरे बाबूजी खून से लहू लुहान जमीन पर खड़ा रहे थे। हम भाई बहन भाग कर आते हैं, देखते हैं कि माँ की लाश दबी पड़ी है और मेरे बाबूजी एक तरफ खून से लहूलुहान करा रहे हैं। मैं बाबूजी के पास गए, बाबूजी का हाथ पकड़कर बोला, अरे बाबूजी आपको तो बहुत खून बह रहा है। मेरे बाबू मुझसे कहते हैं कि ना बेटा, अब
मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। और मैं रोने लगता हूँ, मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि ना बेटा रो मत। अरे जिनका सहारा कोई नहीं होता है उनका सहारा भगवान होता है, धीरज रख। लेकिन बाबूजी क्या बताऊं साथियों, मेरे बाबूजी मुझसे कहते हैं कि बेटा मुझे जरा अपना हाथ दे। मैंने अपना हाथ बढ़ा के अपने बाबूजी के हाथ में रख दिया। मेरे बाबूजी मुझसे कहते हैं कि बेटा बेटा तू मुझे वचन दे कि मेरे मर जाने के बाद तू अपनी बहन का पालन पोषण करेगा, इसे पढ़ाएगा लिखाएगा, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। और मेरी अंतिम इच्छा है कि तू पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना, लोगों की भलाई करना। मैंने अपने पिताजी से कहा कि बाबू मैं आपका औलाद हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मरते दम तक आपकी बातों का पालन करता रहूंगा। और इतना कहते ही मेरी आंखों के सामने मेरे बाबूजी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया, मेरे बाबूजी की सांसें रुक गए, मेरे बाबूजी भी भगवान को प्यारे हो। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद गांव वालों का सहारा पाकर हम भाई बहन माँ और बाबूजी का अंतिम संस्कार किए। लेकिन जब से मेरे माँ बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए तब से भगवान को ना मालूम क्या सूझी है कि मेरे घर में गरीबी ही गरीबी है। लेकिन मैं लाख मुसीबत को सह करके अपनी बहन को पाल पोस कर सयानी किया, मैं भी सयाना हो गया, यहाँ तक कि मैं किसी न किसी तरीके करके खुद भूखा सो जाता हूँ, लेकिन अपनी बहन और अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं इस वक्त भी फार्मा करके पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ साथियों कि आज मेरी परीक्षा मेरे सर पर है और इस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं समय से परीक्षा शुल्क न दे पाया तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, और जब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा तो मेरे बाबूजी का सपना अधूरा रह जाए। एक तरफ पढ़ाई की चिंता तो दूसरी तरफ बहन की सगाई की चिंता। बहन सयानी हो गई है, दिन रात बहन की शादी के विषय में सोचता रहता हूं, यहां तक कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। यही सोचता हूँ कि अगर आज मेरे पास पैसा हो जाता तो मैं अपनी बहन की जल्द से जल्द शादी कर देता। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सूबेदार है, आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि सूबेदार अगर कहीं काम हो तो बताओ, मैं आज कई दिनों से बैठा हूँ, कहीं कुछ काम करूं ताकि पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जमा कर सकूं। आज मैं उसका इंतजार करता हूं। आखिर में बात क्या है भैया, जो आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आपका चेहरा मुरझाया हुआ है भैया? सुबेदार भैया आज मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो इसका कारण जानना चाहता है भैया। सुबेदार तो मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ भैया, मुझ पर जो बीत रही है तू भली बात जान रहा है सुबेदार। लेकिन सुबेदार आज मुझे वो गुजरा हुआ कल याद आ गया, जानता है सुबेदार भैया, आज मुझे माँ और बाबूजी की याद आ गई। अरे वो आज सा याद आ गया
कि जब मेरी माँ मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हुए थे। सुबेदार, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही मांगता हूँ हमेशा कि हे भगवान, जिस तरीके से बचपन में हम भाई बहन को दुख झेलने को मिला है, भगवान तू ऐसा ना कर कि किसी और भाई को इस तरह कर। लेकिन सुबेदार भैया, एक तरफ मेरी पढ़ाई की चिंता है सुबेदार। हाँ भैया, कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम ना दे पाया तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, और जब मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी तो मैं अपने अपने बाबूजी को दिया हुआ वचन नहीं पूरा कर सकूंगा सुबेदार। मैं क्या करूं सुबेदार, एक तरफ बहन की शादी की चिंता, बहन सयानी हो गई है सुबेदार, मुझे रातों को नींद नहीं आती सुबेदार। सुबेदार तू तो वो कहावत सुना होगा। कौन सी भैया? जिस कहावत में कहा गया है कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दलिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप कर रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी सुबेदार, जिस घर में सुता सयानी हो। अरे सुबेदार, इस दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा कि जिसकी बहन सयानी हो गई हो वो चैन की नींद सोता हो। सुबेदार अगर कहीं कोई काम हो सुबेदार तो मुझे बताओ, मैं चल करके काम करूं ताकि घर का खर्च भी चले और मैं पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। सुबेदार भैया, अगर आप हमारी बात माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है सुबेदार? भैया आइए हम लोग चलते हैं ग्राम प्रधान के पास, प्रधान जी से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि नरेगे का काम चल रहा है, हम दोनों भाई दिन भर मेहनत मजदूरी कर कर जो भी पैसा इकट्ठा होगा भैया हमारा और आपका मिला के, उसी पैसे से आप अपना भैया स्कूल का परीक्षा फीस जमा कर दीजिएगा, और उसी पैसे से बहन की सगाई या शादी भी हो जाएगी भैया। क्या कह रहा है? आ भैया, अरे तू मेरी पढ़ाई के लिए अपना पैसा देगा भैया, और अगर कुछ पैसे बच जाएंगे हम दोनों भाइयों को कमाते रहेंगे, पैसा इकट्ठा होता रहेगा, तो आप इसी चौराहे पर एक छोटा सा अपना डॉक्टरी का दुकान डाल दीजिएगा भैया। आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर मालिक ने चाहा तो कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी, लेकिन भैया आप हमें आप दोस्त कहते, लेकिन वो कैसा दोस्त है भैया जो एक दोस्त के काम ना आए भैया। वाह सुबेदार, बहुत अच्छी बात तुमने कही कि अरे वो दोस्त ही कैसा जो दोस्त की मुसीबत में काम ना आए। हाँ भैया, सुबेदार भैया ये केशव प्रसाद तुझसे वादा करता है कि मैं सारी जिंदगी तेरे एहसानों के बोझ के तले दबा रहूंगा सुबेदार, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा सुबेदार। नहीं भाई, एक भाई का एहसान नहीं करता है, बल्कि एक भाई का मदद करता है, उसके सुख दुख में हाथ बटाता है मेरे भाई। मेरे यार, एहसान की बात क्या है मेरे भैया। लेकिन सुबेदार भैया, आज बहन कहाँ पर है? बहन आती होगी भैया, लेकिन गांव में गई थी बहन सहेलियों के साथ घूमने के टहलने के लिए। एक बात आपसे कहना चाहूंगा सुबेदार। क्या भैया? आज हम तुम रो रहे हैं, तुम कह रहे हो कि बहन आती होगी। जी हाँ भैया, इन आंसुओं को पोंछ दो मेरे भाई, क्योंकि मैं बहन को कभी इस तरह से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। हम तो तुमको इस तरह से पेश आना चाहिए कि बहन को एहसास न हो कि हमारे घर पे न रहने के बाद भैया रोते हैं। बहन को कभी मत बताना कि मैं उसके न रहने पर रोता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, मैं बहन को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों भाई तुम्हारे रहने
ना रहने पर हम दोनों भाई रोते हैं भैया। आप अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए, आप बैठकर आराम कीजिए भैया, बहन आती होगी। नमस्ते बेटी, आ गई बहना तू। सुबेदा बहना, भैया कहाँ हैं? भैया बैठे हुए हैं घर में, आओ चलो बहना, भैया से मुलाकात करो। चल ठीक है, आओ बहना। यह परमात्मा, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे भैया, जब भी मैं देखती हूँ तो हर समय खुशहाल रहते थे। आज बचपन से लेकर मैं जवानी तक हो गई, लेकिन मेरे भैया हर समय खुशहाल ही रहते थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज ना जाने कौन सी बात है कि मेरे भैया की आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है? मैं चल के अपने भैया से ये बात जरूर पूछूंगी। भैया, भैया बोल बहन। आखिर भैया, आज तक मैं आपसे कभी कोई बात नहीं की हूं। बचपन से लेकर आपने मुझे जिलाया खिलाया, इतना बड़ा किया भैया माँ बाप के ना रहने पर, लेकिन आखिर भैया आज बात क्या है? आज ऐसी कौन सी बात है भैया जो कि आप इतने मासूम। क्यों बैठे गमगीन हो भैया, बोलो क्या है? गमगीन हो भैया, बोल